देखो दो वर्ड्स हैं, एक है आर्बिट्रेशन और दूसरा है अग्रीमेंट, और ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या है उसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े ही डिटेल्ड वे में समझा, और अग्रीमेंट क्या है उसे आप जानते हो। क्या हम कह सकते हैं एक ऐसा अग्रीमेंट दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच जो आर्बिट्रेशन को लेकर के हो, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच हो इस बात को लेकर के कि इन केस अगर कभी उनके बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, तो वो अपने उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे, और किस मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे उसे भी वो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख सकते हैं। तो यही क्या है, यही है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एकदम सिंपल वे में। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को डिटेल में समझेंगे। अक्सर एडीआर के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को डिफाइन करने के लिए पूछता है, राइट? तो चलिए, व्हाट इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आर्बिट्रेशन के डिफरेंट टाइम्स को समझा, हमने ये जाना कि आर्बिट्रेशन के 8 काइंड्स हैं, एडहॉक आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के 8 काइंड्स को हमने समझ लिया है। आज हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इसे समझने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? चलिए, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डिफाइंस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। देखो दो वर्ड्स हैं, एक है आर्बिट्रेशन और दूसरा है अग्रीमेंट, और ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या है उसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े ही डिटेल्ड वे में समझा, और अग्रीमेंट क्या है उसे आप जानते हो। क्या हम कह सकते हैं एक ऐसा अग्रीमेंट दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच जो आर्बिट्रेशन को लेकर के हो, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच हो,
इस बात को लेकर के कि इन केस अगर कभी उनके बीच कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, तो वो अपने उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे और किस मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे उसे भी वो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख सकते हैं। तो यही क्या है, यही है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एकदम सिंपल वे में, राइट। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। अग्रीमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीमेंट। देखो, एन अग्रीमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ म्यूचुअल एसेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हैविंग कॉमन इंटेंशन ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एंड इट इज मेड थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एन अग्रीमेंट कैन बी सोन फ्रॉम वर्ड्स, कंडक्ट एंड इवन इन सम केसेस साइलेंस ऑल्सो अमाउंट्स टू अग्रीमेंट। तो कह रहा है अग्रीमेंट बेसिकली मैनिफेस्टेशन होता है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन। नाउ व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ घटित होने के संकेत, अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। दो पार्टीज आपस में किसी बात को लेकर अग्रीमेंट करती हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में आई हैं। तो देयर इज मैनिफेस्टेशन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और यहां पे क्या होता है, अग्रीमेंट में दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच कॉमन इंटेंशन होता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर दोनों पार्टीज का क्या होता है, कॉमन इंटेंशन होता है। और बेसिकली देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो अग्रीमेंट कब होता है, जब दो पार्टीज के बीच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ हो, एक पार्टी ने किसी चीज को ऑफर किया हो और दूसरे पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया हो, राइट। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट कब पूरा होगा, व्हेन देयर इज ऑफर फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अनदर पार्टी, ठीक है। और ये जो अग्रीमेंट है ये राइटिंग में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, और इवन साइन लैंग्वेज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट द हैपनिंग ऑफ अग्रीमेंट। दोनों पार्टीज में से एक पार्टी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ही इज नॉट एबल टू स्पीक, तो वो अपने साइन लैंग्वेज से बता सकता है कि उसे अग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, राइट। तो अग्रीमेंट राइटिंग भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है और साइन लैंग्वेज में भी हो सकता है। तो आई थिंक अग्रीमेंट क्या है इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और जब हम अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं इन कनेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन,
कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डिस्प्यूट हम किस मोड ऑफ आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कराएंगे। इसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट को हम कहते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एन अग्रीमेंट। पहला, एसेंशियल्स ऑफ एन अग्रीमेंट। देखो, एक सिंगल पर्सन अपने आप से कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकता है, खुद से कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकता है, विच मीन्स देयर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन्स। दो पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने होंगे तो इट विल डिपेंड अपॉन द अग्रीमेंट बिटवीन देम, अमंग देम। ठीक है, तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स। राइट, दूसरा क्या है, मे बी मेड इधर इन राइटिंग और ओरली और साइन लैंग्वेज। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव अग्रीमेंट होता है वो राइटिंग वाला होता है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट यू मे मूव टू द आर्बिट्रेशन और टू द एनी सिविल कोर्ट। राइट, तीसरा क्या है, कॉमन इंटेंशन। दोनों पार्टीज के बीच कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो दूसरा पर्सन तैयार ही नहीं होगा अग्रीमेंट में आने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। तो देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन। फिर आप लिख सकते हो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर फ्रॉम वन साइड एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अनदर साइड। और पांचवा है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ एन अग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या है, जो बेसिक मीनिंग है, अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के बाहर देखें या इसके बाहर अगर हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के मीनिंग को समझें तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इन द वर्ड्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। सेक्शन 7, सॉरी, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इन द वर्ड्स ऑफ सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, तो
सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 किस तरह से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को डिफाइन करता है, आइए समझते हैं। पॉइंट्स में पहला पॉइंट, इट इज एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज, ये पार्टीज के द्वारा या पार्टीज के बीच एक अग्रीमेंट है टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन आइदर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स। किस बात को लेकर के अग्रीमेंट है, तो इट इज एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट आर्बिट्रेशन आइदर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स, कि वो अपने डिस्प्यूट्स को या तो कंप्लीट डिस्प्यूट को या डिस्प्यूट के कुछ पार्ट को सबमिट करेंगे आर्बिट्रेशन पर। जो डिस्प्यूट उनके बीच अराइज हुआ है, विच हैव अराइजन यानी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स, और विच मे अराइज यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो अराइज हो सकता है इन फ्यूचर यानी फ्यूचर डिस्प्यूट्स बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। पहला पॉइंट समझो, और मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं किसी टॉपिक को इतना अच्छे से इलेबोरेट कर दूं कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए अदर वीडियोस ना देखना पड़े। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक, देखो पहला पॉइंट, पार्टीज के बीच अग्रीमेंट कि वो अपने डिस्प्यूट को सबमिट करेंगे आर्बिट्रेशन में, वो चाहे तो कंप्लीट डिस्प्यूट को सबमिट कर सकते हैं या डिस्प्यूट के कुछ पार्ट को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, वो जो डिस्प्यूट है वो चाहे फ्यूचर डिस्प्यूट हो या एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट हो, और ये जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का हो या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, अग्रीमेंट मे बी मेड आइदर इन फॉर्म ऑफ इंसर्टिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज और इन फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट। तो ये जो अग्रीमेंट है कि वो अपने डिस्प्यूट को सबमिट करेंगे आर्बिट्रेशन में, अपने डिस्प्यूट के कुछ पार्ट को या कंप्लीट डिस्प्यूट को वो सबमिट करेंगे आर्बिट्रेशन में, जो डिस्प्यूट अराइज होगा उनके बीच लीगल रिलेशनशिप के वजह से, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज इंसर्ट कर सकते हैं या एक सेपरेट अग्रीमेंट बना सकते हैं अपने बीच आर्बिट्रेशन को लेकर के, कि किस मोड ऑफ
आर्बिट्रेशन का यूज करके वो अपने डिस्प्यूट को सेटल करेंगे. इट मे बी आइदर इन सेपरेट अग्रीमेंट और बाय इंसर्टिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज इन देयर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट. ठीक है, तीसरा क्या है, शैल बी इन राइटिंग. हमने देखा कि जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो सफिशियंट, लेकिन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होगा. इट शैल बी इन राइटिंग. ठीक है, और फोर्थ वन कहता है, तो बेसिकली अगर आप इन तीन पॉइंट्स को समझ गए तो यही है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. क्योंकि जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को हम राइटिंग में कब कंसीडर करेंगे, कब हम मानेंगे कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो राइटिंग में हुआ है. तीन चीज़ें एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं. पहला, इट इज एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन आइदर ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन, यानी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स और विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज, यानी फ्यूचर डिस्प्यूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल रिलेशनशिप ब्रैकेट वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, पहला पॉइंट. दूसरा, अग्रीमेंट मे बी मेड आइदर इन फॉर्म ऑफ इंसर्टिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट. ठीक है, और तीसरा कहता है शैल बी इन राइटिंग. अब देखो, आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, ठीक है, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते हो कि आप मत खेलो इतने समय के लिए. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब बैकग्राउंड में नॉइज ना आता हो, जब थोड़ा माहौल शांत रहे, तभी वीडियो बनाऊँ. लेकिन ये जो आवाज़ आ रहा है इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, और आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा लाउड बोलूँ ताकि वो आवाज़ जो है छिप जाए, कम हो जाए. ठीक है, और अपने पास इतना सिस्टम भी नहीं है कि बैकग्राउंड नॉइज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए. तो आप इन सभी चीज़ों को समझो और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं. ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, इट शैल बी इन राइटिंग. तो यही तीन चीज़ क्या है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है. नाउ जो चौथा पॉइंट है वो कहता है एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन. आप चाहो तो वीडियो पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो. ठीक है, तो कह रहा है चौथा पॉइंट कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को हम राइटिंग में कब मानेंगे. तो कह रहा है तब मानेंगे जब इन तीनों में से कोई एक केस फुलफिल हो जाए. पहला क्या है, फोर्थ पॉइंट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी इन राइटिंग. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट
will be considered to be in writing if it is contained in. पहला, a document signed by parties, अगर parties ने arbitration को लेकर के कोई document sign किया है तो माना जाएगा कि वो जो arbitration agreement है वो क्या है, writing में है. दूसरा, an exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication including communication through electronic means which provides a record of agreement. यानी अगर दोनों parties के बीच letters का, telex का, telegram का या किसी other telecommunication का एक्सचेंज हुआ है, यानी लेटर्स का एक्सचेंज हुआ है या टेलीग्राम का एक्सचेंज हुआ है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू उनके बीच कम्युनिकेशन हुआ है और उस कम्युनिकेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड है तो माना जाएगा कि जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में है. ठीक है, तीसरा कहता है एंड exchange of statement of claims and defense in which the existence of agreement is alleged by one party and not denied by another. तो कहता है कि statement of claim, exchange of statement of claims and defense. सपोज कि दो पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में था या नहीं था. तो कह रहा है कि मान लो इफ देयर इज exchange of statement of claim and defense. दो parties के बीच जब dispute arise हुआ तो एक ने claim किया और दूसरे ने defense लिया अपना. इसकी बातों को इसने खारिज किया लेकिन ये deny नहीं कर रहा है कि इसके और इसके बीच कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था. तो माना जाएगा कि जो अग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, वो राइटिंग में है. इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इन राइटिंग. ठीक है, यानी एक ने क्लेम किया, दूसरे ने डिफेंस लिया लेकिन ये फैक्ट डिनाई नहीं किया कि इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं था. तो माना जाएगा कि दोनों के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था और वो भी राइटिंग के फॉर्म में था. ठीक है, पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन arbitration agreement if contract is in writing, reference to be given which establish a fact that arbitration clause is a part of contract. क्या कह रहा है, reference in a contract to a document. अगर हमारे बीच कोई contract था तो कोई ना कोई document होगा. अगर उस डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज था तो यानी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में था तो हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को
रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो हमारे बीच जो अग्रीमेंट था वो राइटिंग में था। यानी इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज और जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है आर्बिट्रेशन क्लॉज है, यानी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तभी तो आर्बिट्रेशन क्लॉज है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में तो हम उस डॉक्यूमेंट को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ देयर इज क्वेश्चन दैट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वॉज इन राइटिंग और नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट साइंड बाई पार्टी इज इट सेल्फ अ प्रूफ दैट द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग। ठीक है, अब देखो एक केस है हमारे पास के शशिधरन वर्सेस आपके बैरक में है, के शशिधरन वर्सेस केरला स्टेट कॉरपोरेशन के शशिधरन वर्सेस केरला स्टेट कॉरपोरेशन, सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंड टू ऑर्डर आर्बिट्रेशन अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट एज इट फाउंड दैट सब्जेक्ट मैटर वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो हमने जाना कि हम आर्बिट्रेशन का यूज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, वहीं कंसिलिएशन का यूज हम कर सकते हैं केवल अपने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व करने में। हमने ये जाना कि हम या तो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज को इंसर्ट कर सकते हैं या हम सेपरेट अग्रीमेंट बना सकते हैं कि हम अपने डिस्प्यूट को इस मोड ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे। अच्छा, उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में सब्जेक्ट मैटर भी मेंशन होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट इस नेचर का हुआ तो उसे ही हम आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज में सब्जेक्ट मैटर मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड नहीं है, तो आप आर्बिट्रेशन के तहत अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करा सकते हो। देखो अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में सभी बातें एकदम स्पष्ट होती हैं, टू द पॉइंट होती है और किसी प्रकार का कोई एम्बिग्यूटी नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होता है। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आपको ये भी क्लियर करना है कि अगर इस नेचर का डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ही हम उसे आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे। यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर आर्बिट्रेशन क्लॉज। डिस्प्यूट ऑफ डिफरेंट नेचर विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन आर्बिट्रेशन क्लॉज कैनॉट बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। यही कहा गया था के शशिधरन वर्सेस केरला स्टेट कॉरपोरेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास केस है, बेरेक में दिया है, केबी मेहता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दीपक सीमेंट्स एंड केमिकल्स। It is decided by Gujarat
High Court that where there is clause in agreement between parties, provided that all claims and dispute arising in connection of work order shall be referred to arbitrators, it will be presumed that intention of parties was thereby to refer disputes to arbitration. क्या कह रहा है? कह रहा है दो parties के बीच अगर agreement हुआ है और एक क्लॉज है उसमें, उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने आपसी कंसेंट से एक क्लॉज इंसर्ट किया है, जिस क्लॉज में ये कहा गया है कि जितने भी क्लेम्स होंगे, जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो अराइज होंगे इन कनेक्शन ऑफ वर्क, ठीक है, ऑर्डर शैल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेटर्स. तो जो डिसीजन है वो कौन देगा? आर्बिट्रेटर्स देंगे. दो पार्टीज ने अपने अग्रीमेंट में ये क्लॉज इंसर्ट किया है कि अगर उनके बीच किसी प्रकार का कोई क्लेम या कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इन कनेक्शन ऑफ दियर वर्क, तो ऑर्डर कौन करेगा? आर्बिट्रेटर्स करेंगे. यानी डिस्प्यूट्स को, क्लेम्स को रिजॉल्व कौन करेगा? आर्बिट्रेटर्स करेंगे. तो अगर ऐसा है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन है कि वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराना चाहती हैं, ठीक है. तो आर्बिट्रेशन क्लॉज इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स that the dispute will be referred to arbitrators. ठीक है, यही कहा गया था के बी मेहता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दीपक सीमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड. अब देखो सेक्शन 2B ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 कहता है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट referred to in section 7. Arbitration agreement का मतलब हम section 7 में जो बातें लिखी गई हैं उनसे उसके मीनिंग को ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम में section 2A of Arbitration and Conciliation Act 1996 states that arbitration agreement means an agreement referred to in section 7. और section 7 को define कर सकते हो अपने language में, क्योंकि मुझे लगता है कि section 7 आपको एकदम अच्छे से crystal clear हो गया होगा, ठीक है. अब देखो एक छोटा सा बात notice कर लो, क्या? कि अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन क्लॉज था या सेपरेट अग्रीमेंट था कि वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व कराएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन कम हो गया. सिविल कोर्ट्स के जो डोर्स हैं वो पार्टीज के लिए हमेशा खुले हैं. इफ एनी वन ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड by the decision given by arbitrator, he can knock the door of civil court. ठीक है, सिविल कोर्ट में जा सकता है. देखो आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो डिसीजन देता है पार्टीज के ऊपर मान्य होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पार्टी अपने आप को अग्रीव्ड समझ रहा है तो अब वो पूरी तरह से आर्बिट्रेटर के डिसीजन से बाउंड है. वो चाहे तो सिविल कोर्ट जा सकता है अपने डिस्प्यूट को लेकर के. जो डिसीजन आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स देते हैं, जो ऑलमोस्ट बाइंडिंग होता है अपॉन द पार्टीज, उसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड. और यही
आर्बिट्रल अवार्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसके ऊपर हम इसी तरह डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।